The Urs of Nizamuddin Auliya, also known as Hazrat Nizamuddin, at Nizammudin Dargah is one of the biggest religious fairs observed in New Delhi. It was the 712th Urs of Sufi Saint, attended by thousands of devotees who come from different parts of the country to pay their respects to the noble soul and seek his blessings. वही आता है जिसको सरकार बुलाते हैं अपनी मर्जी से अपनी ताकत से अपने रसूख से हाजिरी नहीं दे सकता जिसे ये चाहते हैं उसी की हाजिरी होती है बहुत प्यारा शेर है जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस आस्थाने महबूब इलाही में हाजिरी देते हैं और अपनी दिल की मुरादें पाते हैं मगर एक हुजूम है जो चला आता है और बामुराद होकर यहाँ से जाता है इस मौके पर मैं दुआगो हूँ कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन पैदा फरमाए और लोग भाई भाई बन के रहें इस दौर में इन बुजुर्गान दीन की तालीमात को फ़रोग देना बहुत ज़रूरी है अगर लोग इनकी तालीमात पर अमल करेंगे तो पूरी दुनिया में अमन ही अमन रहेगा दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी Hazrat Nizamuddin was a revered Sufi saint who believed in drawing close to God through renunciation of the world and service to humanity. For him, his love of God implied love for humanity, and vision of the world was marked by a highly evolved sense of sincerity and kindness. और खास और आम ये नहीं है कि सिर्फ खास लोग आते हैं या खास और आम औरत और मर्द हर दीन के हर मज़हब के हर नेशनलिटी के लोग आते हैं अफगानिस्तान हो ईरान हो यूरोप के लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ से तालीमात और फैज़ हासिल करके वहाँ पर ले जाके भी यही पैगाम देते हैं जो सूफियों का और जो मशायखों का चिश्तिया सिलसिले के हैं उन्हीं का ये पैगाम है तमाम मज़ाहिब के लोग आते थे और फैज़ हासिल करते थे अब भी वही रौनक देखेंगे आप दरगाह शरीफ जाएँगे तो तमाम मज़ाहिब के आप लोग मिलेंगे और एक रूहानियत की बारिश होती है वो तो बरकरार रहती है 12 महीने हर वक्त रूहानियत की बारिश होती रहती है अल्लाह वालों के मज़ारों पे, लेकिन ये जो विसाल का जो दिन होता है जिसको मैं अभी अर्ज कर रहा उर्स का दिन होता है इसमें ख़ास रूहानियत की बारिश होती है पीपल ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर्स इन मेमोरी ऑफ द सेंट एंड पेड ओबेसेंस टू हिम बेहद खुशकिस्मती है ये तो यहाँ आना यहाँ आके इबादत है कवाली सुनना बैठना मतलब एक महफिल समा है हज़रत महबूब इलाही की शान में कही गई बातें सुनना उससे बड़ा तो अकीदत कुछ उससे बड़ी तो इबादत कुछ नहीं है एक सूफ़ी के लिए क्योंकि हम सूफ़ी हैं दिल से मानते हैं तो ये ठंड और बारिश और ये सब चीज़ें कभी कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे ऊपर है और हर तरह से रहेगी अकीदत है Later, religious qawwali in the memory of the saint was offered to mark the occasion. Qawwali is a form of Sufi devotional music which is performed mainly at Sufi shrines or dargahs throughout South Asia. It is one of the musical traditions that stretch back for more than 700 years.